गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट. आई विल स्टार्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ चैप्टर सेवन. चैप्टर सेवन से हम वाइल्ड लाइफ से शुरुआत करते हैं. वाइल्ड लाइफ ने बताया था कि वन जीव का मतलब वन में पाए जाने वाले जीवों को वाइल्ड लाइफ बोलते हैं. वो किसी आदमी पर या मैन पर डिपेंड नहीं होते हैं. नेचर वो टोटली दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. नेचर पर डिपेंड है. नेचर की एक्टिविटी पर वो डिपेंड होते हैं. जैसे वर्षा होती है, प्लांट उगते हैं, प्लांट हरे भरे हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको खाते हैं, खा करके वो ग्रोथ करते हैं. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं फिर उनको खाते हैं. इस तरह से एक सिस्टम बनता है. उसमें इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी होता है. ये वाइल्ड लाइफ है. तो इसका रीजन हेडिंग नीचे उसके है, रीजन फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ के बचाने का क्या रीज़न है? रीज़न यही हमने बताया था कि वाइल्ड लाइफ से जो बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होना चाहिए. जैसे कोई फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई फूड को यूज़ कर रहा है, फिर बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट डेड हो रहे हैं, डेड को डिकम्पोज कर रहा है और डिकम्पोज करके पुनः है उस सिंपल एलिमेंट में तोड़ करके अर्थ की मिट्टी में मिला दिया जाता है. फिर वो न्यूट्रिएंट्स यूज होकर के प्लांट के द्वारा फिर सर्कुलेट होते रहते हैं. तो ये ज़रूरत है. अगर वाइल्ड लाइफ में हमारा जो इकोसिस्टम का कोई भी एक कड़ी है, प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, कोई एक अगर फिनिश हो गया, एंड हो गया, तो डिसबैलेंस हो जाएगा और ये पूरी सृष्टि जो है खतरे में हो जाएगी. इसलिए इन सब को हम सबको बचाने का प्रयास करना चाहिए. काजेज ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है? पहला देखिए, बहुत सारे काजेज हैं. देखो पहला काज, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज. बहुत सारे ट्रीज अंधाधुंध काटे जा रहे हैं. कोई उस पर रोक नहीं है, कोई उस पर टोक नहीं है. जो मन कह रहा है काट रहे हैं, लेकिन लगा नहीं रहे हैं. जिस मात्रा में काटे उसी मात्रा में लगाते भी जाएँ तब तो ठीक है. काटने तो कटते जा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में आधे परसेंट में भी नहीं लगाया जा रहा है. किलिंग ऑफ एनिमल्स, फूड के लिए मारे जा रहे हैं, स्किन उनका चमड़े के लिए मारे जा रहे हैं. तो ये है रीजन. इलीगल ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे जैसे चीता का खाल जिसको बोलते हैं बाघम्बर बहुत महंगा मिलता है. उसको बाघम्बर प्राप्त करने के लिए चीते को मारेंगे, टाइगर को मारेंगे और इलीगल रूप से उसका व्यापार होता है. चंदन की लकड़ी पर अलाउ नहीं, चंदन की लकड़ी को काट करके चोरी छिपे व्यापार करते हैं, इलीगल व्यापार है. लार्ज माइनिंग, जैसे कोयले की खदान जहाँ होगी वहाँ जंगल उजड़ेगा. नेचुरल कैलमिटीज, जैसे वोल्केनो आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इससे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का अंत हो जाता है. एग्जोटिक ब्रीड्स, बहुत सारे ब्रीड्स ऐसे होते हैं, प्लांट ऐसे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और अपने आसपास दूसरे किसी प्लांट को ग्रो नहीं करने देते हैं. अब आता है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हु आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो जो खतरे में हैं प्राणी, उनको हम डिवाइड कर दिए गए हैं. वो उनको पहला कैटेगरी उनकी है इनडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे में है. अगर नहीं बचाया जाता है तो इस धरती से गायब हो जाएंगे. जैसे डोडो एक पक्षी था, उसको नहीं बचाया गया, ख़त्म हो गए. डायनासोर वो भी थे किसी ज़माने में, आज नहीं है, ख़त्म हो गए. इसी प्रकार से इनडेंजर्ड लाइफ भी होते हैं. अब जैसे सांभर, डियर, मस्क डियर, ये सब क्या है? इनडेंजर्ड हैं. अगर जैसे कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं, अगर उसको नहीं बचाया गया, कस्तूरी के चक्कर में उसको मार कर ख़त्म कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम होगा. अब आता है रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज का मतलब कि जो बहुत कम है, बहुत ही कम है. अब जैसे अगर ले लिया अपने क्षेत्र में शाही एक रेयर स्पीसीज है, कहीं देखने को नहीं मिलता है, कहीं देखने को नहीं मिलता सब, लेकिन हैं बहुत. कभी मैं दो बार शाही को देखा हूँ इस क्षेत्र में,
शाम को लगभग रात में 8 बजे रोड क्रॉस करते हुए मैं आ रहा था। हमने देखा कि शाही पास हो रहा था, हमने पहचान लिया शाही हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं, बहुत ही कम हैं, ये रेयर है अपने यहाँ शाही। और उसके बाद आता है तो ये टाइप के ऑर्गेनिज एनिमल्स हैं जिनको हम बोलते हैं रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज। अब आता है यहाँ थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज का मतलब होता है कि खतरे में है जिनका जीवन, अब नहीं बचाया जाएगा तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज एक है जिसका मतलब कि जो ख़त्म हो चुकी, जैसे डोडो, डायनासोर, आर्कियोप्टेरिक्स, ये सब एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं, आज के समय में नहीं जिंदा हैं ये। अब आता है प्रोटेक्टेड एरिया। अब प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब जंगल का वह भाग जिसको प्रोटेक्ट कर दिया गया, ह्यूमन लाइफ से दूर रख दिया गया ताकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ ग्रो कर सके। तो तीन भाग, तीन टाइप के एरिया में बांट दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, एक विशाल क्षेत्र होता है जंगल का जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए पूरी तरह से मनाही है और वहाँ पर कोई ह्यूमिनिटी नहीं होगी और प्लांट ऑटोमेटिकली अपने ढंग से वहाँ ग्रो करेंगे। उसी प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व होता है, समुद्र में भी होता है ये, जंगल भी होता है, मतलब कि बायो को पूरी तरह से वो रिजर्व रखा गया है, ह्यूमन एक्टिव अलाउ नहीं है। लेकिन नेशनल पार्क में कुछ ह्यूमन को आने जाने का आदेश है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीन जो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एरिया दिया गया है। अब जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एन एरिया विद इन विच वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड, हंटिंग पोचिंग आर प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ कोई आदमी जा करके हंटिंग नहीं कर सकता है, जानवर को मार नहीं सकता है। अब अपने इंडिया में जैसे बहुत सारे हैं, डाची गांव सेंचुरी है, ये कश्मीर, डाची गांव कश्मीर में है, भरतपुर सेंचुरी साइबेरियन क्रेन के लिए है, और रन ऑफ कच्छ सेंचुरी है, गिरी सेंचुरी है, बांदीपुर सेंचुरी है, मुडुमलाई सेंचुरी, ये सेंचुरीज इंडिया में हैं। अब आता नेशनल पार्क, बता चुका हूँ प्रोटेक्टेड एरिया होता है, गवर्नमेंट जो होती है उसमें कंजर्व रखते हैं और लोग उसमें कुछ क्षेत्र में जाकर के विजिट मतलब कि जा करके देख सकते हैं कि टाइगर कहाँ हैं, लायंस कहाँ हैं, उनको देखा जा सकता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है। और बायोस्फीयर रिजर्व से देयर आर एरियाज ऑफ लैंड और वाटर, लैंड हो सकता है या वाटर हो सकता है, वाटर मीन्ट फॉर द कंजर्विंग बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर होता है। और इस बायोस्फीयर में हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन दोज एरियाज। बायोडाइवर्सिटी उसमें मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो ये है अब नील, जैसे अगर हम देखें जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर, सुंदरबन बायोस्फीयर, ये है। अब आता है पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, कितने पार्ट होते हैं। पहला नंबर है कोर जोन, फर्स्ट नंबर कोर जोन, कोर का मतलब सेंट्रल पार्ट, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, ठीक ना, ये है। तो कोर जोन को, सेंट्रल जोन को कोर जोन बोलते हैं। फिर आता है बफर जोन, बफर जोन, बफर जोन प्रोवाइड्स ए स्पेस फॉर द एनवायरनमेंट रिसर्च रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, उसमें जा सकते हैं, मनोरंजन ले सकते हैं, टूरिज्म के रूप में घूम सकते हैं वहाँ बफर जोन में।
आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो होता है इज फॉर लोकल कम्युनिटीज दैट हैव हैंड इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एरिया थ्रू फार्मिंग फिशरीज अदर नॉन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जो मतलब किसान या गांव वो साथ वहाँ के लोग अपनी फिशरीज या खेती कर सकते हैं जिस क्षेत्र में, वो होता है ट्रांजिशनल जोन। जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं जिसको कहते हैं चिड़ियाघर। लखनऊ का चिड़ियाघर है, दिल्ली का चिड़ियाघर है। ये चिड़ियाघर में भी एनिमल्स को रखा जाता है रिजर्व करके ताकि लोग देख सकें पहचान सकें। बोटेनिकल गार्डन भी होते हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं स्पेशल प्लांट्स को वहाँ ग्रो कराया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है गार्डन में और उनको कल्चर किया जाता है। ये बोटेनिकल गार्डन हुआ। अब आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो होता है मीन्स चेंजिंग प्लेस ऑफ एनिमल, चेंजिंग प्लेस बाई एनिमल इन सर्च ऑफ फूड और फॉर फेवरेबल क्लाइमेट, फूड और फेवरेबल क्लाइमेट के लिए अगर एनिमल अपना स्थान चेंज करके दूसरे स्थान को, दूर किसी दूसरे स्थान को चला जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन का तीन रीज़न है। क्लाइमेटिक चेंज के कारण माइग्रेशन करते हैं, एक देने के लिए, एक मतलब कि सेफ प्लेस, जहाँ पर सेफ प्लेस होगा इसलिए वो सर्च करते हैं, जहाँ सेफ रहेंगे उनके अंडे और बच्चे वहाँ वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। और तीसरा रीजन है टू फाइंड एरिया विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग, जहाँ पर फूड अवेलेबल ज़्यादा होगा वहाँ पर वो जाएंगे। तीन चीज, क्लाइमेट चेंज फॉर सेफर प्लेस फॉर द एग्स एंड चिक्स एंड एरिया विच आई कैन, मतलब कि एरिया वेयर फूड इज अवेलेबल, ये रीजन है। रेड डाटा बुक, एक डेक बुक है जिसमें खतरे में पड़े हुए सारे ऑर्गेनिजम्स या रेड डाटा बुक में, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स कौन कौन खतरे में है उनको नोट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने का सलाह दिया जाता है, इसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। अब और यह भी दिया जाता है कि कितने टाइप के एनिमल, जैसे इंडेंजर्ड हो गए और उसके बाद रेयर एनिमल्स हो गए, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हो गए, कौन कौन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन कौन इंडेंजर्ड हैं, कौन कौन रेयर हैं, ये सब उसी में नोट किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। इफ़ेक्ट्स ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इफ़ोर्ट्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रयास, तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बचाव में क्या प्रयास किया जा रहा है। तो पहला नंबर होता है रिफॉरेस्टेशन का प्रयास किया जा रहा है, जंगल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक गवर्नमेंट एक स्कीम चलाई है प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर की संख्या बढ़ सके। पहले जिसमें यह शुरू हुआ था 1973 में, टाइगर की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उसके बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए एक गवर्नमेंट ने चलाई प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि इनकी संख्या बढ़ सके जंगल में। अब आता है रिसाइकिलिंग ऑफ पेपर। अगर रिसाइकिलिंग ऑफ पेपर हम लोग करेंगे तो इससे हमारा फॉरेस्ट बचा रहेगा, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट हैं, प्लांट से काट कर उसके स्टेम से पल्प बना करके ट्रीटिंग करके हम वाइट पेपर बनाते हैं। हम पेपर ज़्यादा बर्बाद करेंगे तो पेड़ ज़्यादा कटेंगे, पेड़ ज़्यादा कटेंगे तो फॉरेस्ट जलेगा, फॉरेस्ट जलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी सारे प्लांट सूख जाएंगे, सारे प्लांट सूख जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्या बिना भोजन और ऑक्सीजन कोई ज़िंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इतनी लंबी स्टोरी है, इसलिए पेड़ को बचाना है, पेपर को बचाना है, पेपर वेस्ट नहीं करना है, पेपर की हम कोशिश करें रिसाइकिलिंग हो जाए, रीयूज हो जाए, पेपर कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए, ये प्रयास। तो दिस चैप्टर एक्सप्लेंड एंड लिसन केयरफुल्ली, इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी, मे गॉड ब्लेस यू।